भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाला शहर बेंगलुरु देश भर से लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हेतु प्रतिवर्ष अपनी ओर आकर्षित करता है। मगर इस जगह का एक ऐसा भी पहलू है जो इसके भुलाए गए इतिहास में दबा हुआ है, और जिन स्थानों में ये आज भी देखा जा सकता है उनमें से एक है यहाँ मौजूद बेंगलुरु किला। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान बेंगलुरु शहर की नींव यहीं से रखी गई थी? न्यू तरगुपेट क्षेत्र में स्थित बेंगलुरु किला का सबसे पहले निर्माण एक मिट्टी के किले के तौर पर हुआ था, जिसमें वक्त के साथ साथ कई बदलाव देखे गए थे, और ये उन युद्धों और कई प्रगति संबंधी कार्यों का भी साक्षी रहा जिसने इस शहर और भारत के इतिहास में भी अपनी छाप छोड़ी। दुर्भाग्यवश बेंगलुरु के बहुत स्थानीय निवासी भी इस किले से जुड़े उसके सुनहरे इतिहास से नावाकिफ हैं। आइए आपको इस किले की ऐतिहासिक यात्रा पर ले चलते हैं। बेंगलुरु किले का मूल वर्ष सन 1537 बताया जाता है, जब विजयनगर साम्राज्य के समृद्ध नगर हम्पी में अपने भ्रमण करने के बाद उसके तहत मुखिया कैंपे गौड़ा प्रथम ने अपने लिए एक नगर के निर्माण का प्रण लिया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कैंपे गौड़ा को शिकार के दौरान एक खरगोश को उनके किसी शिकारी कुत्ते को भगाते देखा, और उसी रात उनको अपने सपने में देवी लक्ष्मी के नगर बसाने का आदेश मिला। इसको अच्छा शकुन मानकर कैंपे गौड़ा को तत्कालीन विजयनगर शासक से 12 राजस्व उपखंड और 30,000 सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिसके कारण किले और उसके भीतर बेंगलुरु पेट के नाम से इलाका बसाया जाने लगा था। यहाँ पर कई घर और व्यवसायिक क्षेत्र पनपने लगे थे। कहा जाता है कि पहले सिख गुरु नानक जब अपने उदासी के तहत श्रीलंका की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने कैंपे गौड़ा से भेंट की थी और उनको उनकी नगरी बसाने के लिए आशीर्वाद भी दिया था। आज यहाँ पर कैंपे गौड़ा द्वारा निर्मित नंदी और गावी गंगाधीश्वर जैसे कई मंदिर देखे जा सकते हैं, जिनका निर्माण बेंगलुरु किले के निर्माण के दौरान हुआ था। सामरिक रूप से बेंगलुरु किला दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक में मौजूद था, और ये दक्कन से लेकर मंगलुरु और यहाँ तक मालाबार के कुछ तटीय क्षेत्रों तक के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। कैंपे गौड़ा के वंशज के मजबूत गढ़ होने के बाद ये किला सन 1638 में एक युद्ध के दौरान छल से आदिल शाहियों के हाथ आया, जिन्होंने इसकी कमान छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोंसले को सौंपी थी। आने वाले दशकों में जब आदिल शाहियों का प्रभाव दक्कन में कम होता चला गया, तब यह मराठों और मुगलों के बीच सैन्य विवाद का केंद्र बना। आखिरकार मुगलों के किले हथियाने के बाद उन्होंने अपने मित्र मैसूर के राजा चिक देवराज वुडियार को 3,00,000 रुपए में दिया। चिक देवराज वुडियार के शासनकाल के दौरान बेंगलुरु किले में काफी विकास हुआ, जहां एक अंडाकार किले का निर्माण मिट्टी के किले के दक्षिण में किया गया था। इनके गुजर जाने के बाद जब मध्य 18वीं शताब्दी के आते आते इनके उत्तराधिकारी शासन के मामले में फीके पड़ रहे थे, तब मैसूर की गद्दी का वास्तविक हकदार हैदर अली बना, जिसने वुडियार शासकों को अपने इशारों पर रखा। वहीं उसने बेंगलुरु किले को मजबूत पत्थरों द्वारा पुनर्निर्माण किया और चिक देवराज द्वारा निर्मित अंडाकार किले में महल, तहखाने, राजकीय इमारतें और शस्त्रागार को भी शामिल किया। सन 1782 में हैदर की मौत के बाद जब टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा,
तब उसने बेंगलुरु किले में एक ग्रीष्मकालीन महल और शस्त्रशाला का भी निर्माण किया, जिसके कारण इस किले को टीपू किला के नाम से भी जाना जाने लगा था। ये वो वक्त था जब मैसूर के अंग्रेजों और मराठों के साथ रंजिशें खत्म हो गई थी। मगर जब टीपू ने फ्रांसीसी सहयोग से अंग्रेजों के साथी त्रावणकोर राज्य पर हमला किया, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जंग का ऐलान किया, जिसको आज तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अमरीकी स्वतंत्र युद्ध में अपनी शर्मनाक हार के बाद कॉर्नवालिस के पास अपनी खोई गरिमा को वापस लाने का यही मौका था। जब उन्होंने जंग का मोर्चा अपने हाथों लिया, तब उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में आसानी से हमला बोलने के लिए सबसे पहले बेंगलुरु किले को कब्जाने का निर्णय लिया। सन 1791 में किले में एक भीषण युद्ध हुआ, जहां पर कॉर्नवालिस की जीत हुई। भले ही किले को अंग्रेजों ने कब्जा तो लिया, मगर इसमें हुई जंग के इसके किलेदार बहादुर खान की वीरता से वे बहुत प्रभावित थे, जिनका डील डॉल किसी संत से कम नहीं था। अंग्रेज खान की वीरता से इतने खुश थे कि उन्होंने उनको पूरे सम्मान के साथ दफनाया, जबकि टीपू सदमे में पड़ गया था। आज खान की दरगाह बेंगलुरु किले से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर मौजूद है। भले ही बेंगलुरु किला सन 1792 के श्रीरंगपट्टनम समझौते के बाद टीपू के हाथों वापस तो आया, मगर जब 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मौत हुई, तब ये किला फिर से अंग्रेजों के हाथ आया, जिन्होंने इसको अपनी छावनी बनाई थी। इस दौरान इन्होंने यहाँ फोर्ट गिरजाघर का भी निर्माण किया, जो बेंगलुरु में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का पहला चर्च था। मगर जब सन 1890 के दशक में ये किला वहां के नागरिक प्राधिकरण के हाथों आया, तब सैन्य खतरे से निजात पाने के लिए इसकी दीवारों को यहां हुए नगरीकरण हेतु तोड़ा गया था, जहां कई गलियां, रास्ते आदि का निर्माण किया गया था। वहीं फोर्ट गिरजाघर आज सेंट ल्यूक चर्च के नाम से जाना जाता है और आज ये बेंगलुरु के चमराजपेट इलाके में स्थित है। एक जमाने में मशहूर इस किले के अब सिर्फ दिल्ली गेट और दो बुर्ज के साथ साथ टीपू का ग्रीष्मकालीन महल देखा जा सकता है। इस किले का जिक्र सन 2010 में आई मोनी दीपा साहू की किताब रिडल ऑफ द सेवंथ स्टोन में देखा गया था। आज बेंगलुरु किला बेंगलुरु शहर के विकास का खामोश गवाह है, जिसने इसकी गरिमा को पूरी तरह से भुला दिया है।